सर्वप्रथम तो ये पूरे जीत का श्रेय कैलाश गहतोड़ी को जाता है, जो जिनने अपनी जो आदमी कभी अपनी छोटे से पद को भी त्याग नहीं करते, उन्होंने इतनी बड़ी विधानसभा जीतने के बाद त्याग कर दिया, पूरा श्रेय तो उनका जाता है। उसके बाद दूसरा, मैं उन दोनों माताओं को नमन करूँगा जिनने ऐसे महान बेटों को जन्म दिया। एक कैलाश गहतोड़ी जिनने इतनी बड़ा त्याग किया, और दूसरा पुष्कर सिंह धामी जिनने इतने प्रचंड मोहब्बत के साथ ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो भूतों ने भविष्य दी, जो कभी था न कभी टूट सकता है। सब पूरा श्रेय उनको जाता है। उसके बाद भी हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं जिनने इतना बड़ा सहयोग किया, इतने बड़े घर घर जाके पार्टी के लिए वोट मांगे, और दूसरा श्रेय उनको जाता है। क्योंकि जीत दिलाने में सारे कार्यकर्ताओं ने पूरा सपोर्ट, पूरा काम सब लोगों ने किया। उसके अलावा मेरे को 5 बूथों की जिम्मेदारी दी गई थी, मुड़ियानी शक्ति केंद्र का सहयोग था मैं इसमें। जो भी यहाँ पर काम हुए हैं, जो भी जितने भी कार्यकर्ताओं ने काम किया, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया। 5 बूथ मेरे पास पलसू, जयगांव जैतोली, मोराड़ी, मुड़ियानी और खरखकार की 2 था। इसमें सब लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, हमारे बूथ अध्यक्षों और जो भी हैं हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग थे, और विशेष तौर पर रमेश भंडारी जी हमारे इस बूथ से हमारे से जुड़े हुए थे, लेकिन वो किसी उनकी ड्यूटी अन्य जगह लगा दी गई थी, लेकिन उनका भी अन्य जगह ड्यूटी करने के साथ साथ हमारे खरखकार की बूथ 2 के लिए जो उनका सहयोग रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा। इस बूथ को मैं काफ़ी अच्छे उससे जीते, जबकि ये बूथ हमेशा कांग्रेस का बूथ रहता था, और इसमें भी हम काफ़ी अच्छे वोटों से जीते हैं, और इसमें भी कांग्रेस नीली समझो। और दूसरा पलसू बूथ था, पलसू में थोड़ी दिक्कतें थी, इस बार वो भी थोड़ा ठीक रही, वो दिक्कतें सारा दूर हुई, और सब लोग वहाँ धामी के साथ खड़े दिखे।